लीला क्रमांक पूर्वा 437, रामदेव द्वारा निवारित महादाइसा की वस्त्र पूजा स्वीकार। एक बार महादाइसा के मन में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को एक वस्त्र समर्पित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उसने एक दिन नागदेव भट्ट से कहा, हे भट्ट, मुझे बाजार से एक वस्त्र ला दो ना। इस पर नागदेव भट्ट बोले, मुझे कहने की अपेक्षा तुम दादोस को ही कह दो, वह वस्त्र ला देगा। फिर उसने दादोस से कहा, दादो दादो, मुझे एक वस्त्र ला दो ना। तब उसने कहा, तुम्हें वस्त्र किस लिए चाहिए? फिर महादाइसा ने कहा कि वह भगवान श्री चक्रधर स्वामी को एक वस्त्र समर्पित करना चाहती है। तब दादोस ने कहा, किस मूल्य का तुम वस्त्र चाहती हो? इस पर महादाइसा ने कहा, मेरे पास 16 दाम है, उतने का ही एक अच्छा सा वस्त्र ला दो। इस पर दादोस ने कहा, रुपये, तुम्हारे पास 16 दाम ही है, इससे अधिक तो है नहीं, तो इन 16 दाम में कौन सा कोई अच्छा सा वस्त्र आ जाएगा भगवान के लिए? इस वस्त्र को खरीदने का तुम विचार त्याग दो। यदि तुम वस्त्र ले भी आई तो कौन सा भगवान ने उसे अपने उपयोग में लाना है? 2 दिन वे पहनेंगे, फिर किसी और को दे देंगे वे। इससे तो अच्छा है तुम इन पैसों से भगवान को अच्छा सा भोजन ही तैयार करके खिला दो। दादोस के इस विचार को सुनकर महादाइसा चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद महादाइसा ने सोचा कि अब वह भगवान से ही कहेगी कि वे ही कहीं से उसे वस्त्र दिलवा दे। इतने में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने महादाइसा के मन की बात को जानते हुए अपनी ओर बुलाते हुए कहा, माता, क्या कह रही थी तुम? इस पर उसने नागदेव और दादोस को वस्त्र ला देने की सारी बात कहते हुए कहा, भगवान, मैं आपको एक वस्त्र समर्पित करना चाहती हूँ। दादोस ने कहा कि भगवान ने कौन सा अधिक देर इस वस्त्र को पहनना है? 4 दिन पहनकर वे दे देंगे किसी और को, इसकी अपेक्षा मैं उपहार स्वरूप भोजन ही खिला दूं, पर मेरी भावना तो वस्त्र समर्पित करने की है। तब भगवान ने सहज भाव से कहा, तो तुम दादोस की बात को मानकर हमें भोजन ही खिला दो, और क्या? फिर महादाइसा ने कहा, भगवान, मेरी उत्कट इच्छा तो आपको वस्त्र समर्पित करने की है। तब भगवान ने कहा, माता, वस्त्र हमारे उपयोग में नहीं जाएगा, यह कैसे संभव हो सकता है? वह तो निश्चित ही हमारे उपयोग में आएगा। तुम स्वयं ही इस काम के लिए हिम्मत करो, ऐसे ऐसे तुम यहां से आगे बढ़ो, तुम्हें कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, वो तुम्हें वस्त्र खरीदने में सहायता करेगा, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान की बात को सुनकर महादाइसा के मन में विचार आया कि इस काम में वह उस स्त्री की सहायता लेगी जिसके घर वह भिक्षा लेने जाती है। फिर वह उसी दिन उस ब्राह्मणी के घर गई और उससे उसने कहा, अरे बहन, तुम्हारा भाई कपड़ा बेचने का काम करता है, तो उसके माध्यम से भगवान के लिए एक अच्छा सा वस्त्र दिलवा दो, मैं उसे पैसे दूंगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, अच्छा माता, मैं उससे बात करूंगी। इतने में वह अचानक ही वहां आ गया। उसने उससे कहा, अरे भाई, तेरे पास एक अच्छा सा वस्त्र किसी ने गिरवी रखा हुआ है, उसे लेने के लिए तो कोई आया नहीं, वह इस माता को ही दे दो, इसने भगवान को समर्पित करना है। उसी समय उसने वह वस्त्र निकाला और वह महादाइसा के हाथों में दे दिया। फिर महादाइसा ने उसे पूछा, अरे भाई, इस वस्त्र के मैं कितने पैसे दूं? इस पर उसने कहा, माता, तुम जितने पैसे दोगी वो मैं खुशी से ले लूंगा, यह वस्त्र कोई आपसे बढ़कर नहीं है। फिर महादाइसा ने वे 16 दाम उसे दे दिए। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर प्रसाद रूप में उन्हें ग्रहण कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो वह वस्त्र एक गिन्नी का था जो उसने महादाइसा को 16 दाम में दे दिया। प्रसन्न भाव से उस वस्त्र को लेकर वह भगवान के पास आई। उसने केवल भगवान के लिए भोजन तैयार किया। उसके बाद भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, धूप आरती, मंगल आरती की। वह वस्त्र भगवान श्री चक्रधर महाराज को समर्पित किया। फिर भगवान ने भोजन किया, कुल्ला करके पान का विड़ा लिया और थोड़ी देर तक विश्राम करने के बाद उठकर आसन पर विराजमान हुए। जब भगवान वहां आसन पर विराजमान थे तो उन्होंने उस वस्त्र को अपने कंधों पर ओढ़ा हुआ था। इतने में दादोस विनम्र होकर भगवान के पास आए, भगवान को नमस्कार कर वहां पास में ही बैठ गए। इस पर भगवान ने उस वस्त्र का एक भाग उसकी ओर करते हुए कहा, यह वस्त्र कितने का होगा? तब उसने कहा, भगवान, यह 16 दाम का होगा। इस पर भगवान ने कहा, क्या तुम 16 दाम में ऐसा वस्त्र ला दोगे? फिर उसने कहा कि यह 18 दाम का होगा अथवा 20 दाम का होगा। फिर भगवान ने उस वस्त्र को अपनी ओर खींचते हुए महादाइसा की ओर देखते कहा, यह वस्त्र अनुपम है, इस वस्त्र का कोई भी व्यक्ति मूल्य नहीं लगा सकता। उस वस्त्र को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने 6 महीने तक अपने उपयोग में लाया। फिर उसका छोटा कुर्ता बनवाया, उसे भी भगवान ने कुछ दिन पहना।
इसके बाद जब नागदेव और महादाइसा को भगवान ने रितपुर में श्री गोविंद प्रभु के पास भेजा, तो भगवान ने महादाइसा से कहा, हमने तुम्हारे द्वारा समर्पित इस वस्त्र को 6 महीने तक ओढ़ा है, फिर इससे छोटा कुर्ता तैयार किया और उसे पहना। अब हम यह कुर्ता इस नागदेव को देना चाहते हैं, दे दें क्या? तब महादाइसा ने भगवान से कहा, भगवान आप सहर्ष यह वस्त्र नागदेव को दे सकते हैं। लीला का है तो महादाइसा को 16 दाम में अच्छा वस्त्र मिल जाए, इसमें महादाइसा की अनुकूल अभिमानिनी देवता ने सहायता की थी। उसकी इच्छा से ही आखिरी और हीन देवता ने ब्राह्मणी और उसके भाई को 16 दाम में वह वस्त्र देने की प्रेरणा प्रदान की, क्योंकि उन दोनों प्राणियों का चातुष्टय अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार स्थूल था, इसलिए हीन देवता ने उन्हें प्रेरित किया। परमेश्वर का भजन पूजन किया जाए, यह मूल अधिकार महादाइसा ने पहले ही प्राप्त किया हुआ था, उसमें योग्यता भी थी। भगवान ने अनेक बार महादाइसा की ओर से भजन पूजन भी स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि उसका उद्धार शीघ्र हो, पहले से भी अधिक मात्रा में उसकी योग्यता वृद्धि को प्राप्त हो, उसकी क्रिया को पूर्ण परिपूर्ण किया जाए, यह भी भगवान का हेतु था। यह जीव के अधिकार वृद्धि की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 437 437 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।